हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। कैसे हैं आप सब लोग? बारिश का मौसम है, चलिए बच्चों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड लजानिया बनाते हैं। तो सब चलते हैं मालती किचन में, चलिए हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए, पैन में मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। और ये मैंने कुछ सब्जियाँ चॉप करके रखी है। मैंने एक ऑनियन लिया है, एक कैप्सिकम ली है, हाफ रेड सब बेल पेपर्स लिए, हाफ रेड लिए, हाफ येलो ग्रीन वाली भी हाफ लिया, ऑनियन एक लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जिंजर और ये अपना गार्लिक लिया है और ग्रीन चिली लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छा गुलाबी बनकर सॉटे कर लेंगे और इसी के अंदर हम ये डाल देंगे। थोड़ा मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा जिंजर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल रही हूँ थोड़ी सी। और इन सबको हम अच्छा गुलाबी होने तक, जब तक हमारा प्याज अच्छा भून जाता है तब तक इसे हम सॉटे कर लेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने सिर्फ आधा मिनट ये सॉटे किया है। मैं इसमें अभी ये कैप्सिकम डाल दूँगी, बेल पेपर जो लिए है वो तीनों डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और हमें ये जो कैप्सिकम बेल पेपर डाले हैं ये हमें थोड़ा क्रंची रखना है, इसे हमें 1 ही मिनट सॉटे करना है। इन सबको अच्छा मिक्स कर दूँगी मैं। देखिए, तीनों बेल पेपर्स को मैंने अच्छा 1 मिनट तक सॉटे कर लिया, 1-1.5 मिनट तक। ये मैं इसमें बॉइल्ड कॉर्न डाल रही हूँ हाफ कप। मैं जब भी कॉर्न बॉईल करती हूँ तो मैं उसमें एक चीनी, 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून मैं उसमें शुगर डालती हूँ, और थोड़ा 1 पिंच उसमें हल्दी डालती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर मैं इसे बॉइल कर लेती हूँ। अभी मैंने 1 कप कैरेट एंड बीन्स लिया है, मैंने इसे बॉईल कर लिया है, हाफ बॉईल कर लिया है इसे मैंने। तो थोड़ा मैं भी ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। अभी मैं इसमें अच्छे से मसाले डाल दूँगी सब। ये मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आपके टेस्ट से डालिएगा। और ये मैं इसमें एक ये टॉपिंग डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सिजलिंग करके। और ये मैं इसमें बेजिल की लीव्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी ड्राई बेजिल लीव्स, ये वाली लेती हूँ मैं हमेशा केया की, ये वाली। और थोड़ा मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। और ये जो मैं पार्सले की स्टेम होती है ये मैं हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीज़र के अंदर। ये देखिए आप, ये आपकी 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगी। ये स्टेम को आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और उसे मैं हमेशा चॉप करके डालती हूँ जब भी इटालियन डिश बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हमारा ये मसाला एकदम रेडी है जो हम लज़ानिया में बीच में स्टफ़ करेंगे। अभी हम रेड सॉस बनाते हैं। ये मैंने 4 टमाटो लिया है, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। मैं इसे अच्छा अभी एकदम बारीक ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करके मैं इसे छान लूँगी, क्योंकि इसके बीज और जो उसके स्किन होती है वो निकल जाती है अच्छे से। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, ये मैं इसमें करीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। हमें एक बार चर्न करके, जब दोबारा चर्न करेंगे हम बारीकी से, तब डालने का है। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, इसे अभी हम छान लेंगे अच्छा सा एकदम। ये देखिए, टमाटर का स्किन और बीज पूरा चन्नी में ऊपर रह गया। चलिए अभी हम ये जो रेड ग्रेवी वो बनाते हैं। ये देखिए, पैन में मैं थोड़ा बटर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि अभी ये बच्चों के लिए लज़ानिया बना रहे हैं तो इसमें बटर तो जाएगा ही। और ये मैंने इसमें थोड़ा जिंजर लिया है, थोड़ा मैंने गार्लिक लिया। अगर आप जैन बना रहे हो तो आप गार्लिक और ऑनियन अवॉइड भी कर सकते हो। ये मैंने इसमें आधी ग्रीन चिली ली है, और 2 लहसुन की फांक ली है, और थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच अदरक ग्रेट कर लिया मैंने। और मैं इसमें अभी एक ऑनियन डाल दूँगी, और ऑनियन को अच्छा गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। और जब तक हम एक बाजू में फिर वाइट सॉस बनाते हैं। ये देखिए, वाइट सॉस के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बटर ले रही हूँ।
और उसमें बहुत थोड़ा सा मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा, एक चम्मच। आप सादा ऑयल भी ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, मैं इसमें मैदा डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। एक बाजू हमारा ऑनियन भी अच्छा हो रहा है, इसे हम अच्छा गुलाबी होने तक भून लेंगे मैदे को। ये देखिए हमने मैदे को अच्छे से बटर के अंदर, ऑयल के अंदर अच्छा भून लिया है। मैंने ये 2 कप दूध लिया है, इसमें 2 कप ये हल्का हल्का करके मैं इसमें डाल दूँगी और एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट वाइट सॉस का बना लूँगी मैं ये। बस वो ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स नहीं पड़े। ये देखिए मैंने 2 कप दूध पूरा ले लिया है इसमें। गैस का फ्लेम मैंने अभी स्लो कर दिया है। ये इसमें मैं बहुत थोड़ी सी काली मिर्ची डालूँगी और ये थोड़ा बेजिल की लीफ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और ये पिज़्ज़ा सीजलिंग जो है आप ऑरिगनो भी डाल सकते हैं। ये डाल के मैं अच्छा मिला दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा। और मैं हल्का सा इसमें, क्योंकि लज़ानिया इसमें बहुत थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। आपको शुगर नहीं पसंद करते तो अवॉइड भी कर सकते हो। तो देखिए अभी वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई, इसे हम जब तक हमारा अभी रेड सॉस का ऑनियन भी अच्छा तैयार हो गया है। ये देखिए इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इधर ऐसा। ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है ये मैं अभी ऑनियन में डाल दूँगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया है, अभी मैं इसमें मसाले डालूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। जनरली इटालियन डिश में ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगनो, पिज़्ज़ा सीजलिंग, बेजिल, पासले, सब यही अच्छे लगते हैं। और मैं ये रेड सॉस में थोड़ा मैं फ्रेश कोरिएंडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा। देखिए अभी हमारा मसाला भी तैयार है हमारे रेड, अभी रेड सॉस को हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक ढक्कन लगा के भून लेंगे इसे अच्छा से एकदम हम। ये देखिए वाइट सॉस भी कितनी अच्छी बनी है, इसे हम अभी खाली कर लेते हैं अलग से बाउल में। ये देखिए रेड सॉस में हम अभी थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं। ये देखिए रेड सॉस भी बहुत अच्छी रेडी हो गई है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है ऑरिगनो की, बहुत बढ़िया। इसे भी हम खाली करेंगे बॉल में। तो अभी हम जो ब्रेड का बनाएंगे लज़ानिया, हम ब्रेड की शीट बनाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने पैन के अंदर सॉल्ट डाल दिया है और मैंने इसमें स्टैंड रखा है, इसे मैं 10 मिनट तक प्री हीट होने दूँगी, फिर इसमें हम लज़ानिया बेक करेंगे। ये देखिए ब्रेड को हम अच्छा प्रेस करके ऐसे बेल लेंगे। मैं 8 ब्रेड का लज़ानिया बना रही हूँ, आप क्वांटिटी आपके हिसाब से भी बना सकते हो। और इसकी जो एजिस होती है, जो किनारी होती है साइड की, वो बाद में ही कट करिएगा पिज़्ज़ा कटर से। ये देखिए इसका मैं पिज़्ज़ा कटर से ऐसा निकाल दूँगी। ये देखिए ऐसा बना के, ये देखिए ऐसा हमें ब्रेड सारी बेल लेने की है। तो चलिए अभी हम असेंबल करते हैं। ये देखिए सबसे पहले बॉल में मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी, थोड़ा सा नीचे। ये मैंने बॉल में बटर लगा दिया थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने। और मैं इसमें थोड़ा रेड सॉस डालूंगी, पहले हल्का सा नीचे रेड सॉस डाला मैंने, ये देखिए। और मैं इसमें वाइट सॉस डाल दूंगी थोड़ा, इसे हल्का सा हल्का मिक्स करने का अपने, कहीं कहीं रेड कहीं कहीं ऐसा करके रखने का है। और ये ब्रेड जो है अभी हम ब्रेड लगा देंगे इसमें अच्छे से एकदम। ये 4 पीस मैं पहले रखूँगी नीचे, ये देख सकते हो आप, ये 4 पीस मैंने लगा दिए इसमें। ये देखिए 4 पीस इसके अंदर। अब मैं इस पर वापस रेड सॉस लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने रेड सॉस लगा दी इस पर। अब मैं इसमें हल्की सी वाइट सॉस लगाऊंगी, हल्की सी। आप जितना आपको सॉस चाहिए आपके ढंग से भी आप असेंबल कर सकते हैं जैसा चाहिए, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए
ये हमने हमारी जो लजानिया की शीट है वो एक बार लगा दी। और ये मैं इसमें वेजिटेबल सभी जो हमने बनाई है ये मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँगी। इसमें अभी वेजिटेबल आपको जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हैं। इसमें आप जुकीनी ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतना ले सकते हो आप। ये देखिए मैं इसमें वापस ब्रेड लगा दूंगी, ये आप देख सकते हो। देखिए ये हमने चार ब्रेड लगाई। अब मैं फिर से इसमें वाइट सॉस लगा दूंगी, रेड सॉस। वाइट सॉस रेड सॉस हमें करीबन 2 से 3 बार लगानी है तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैं वाइट सॉस लगा दूंगी। इसमें क्या सब्जी भी बहुत जाती है। और लजानिया की अगर आपको मैदे की शीट नहीं बनानी है, आपको इंस्टेंट बनाना है, जल्दी बनाना है, तो भाई ये जैसे गेस्ट आने वाले हैं या बच्चों के आपके पार्टी है घर में, ये देखिए अब मैं इस पर थोड़ी सब्जी और डालूंगी। हल्का हल्का सब्जी मैं इसमें डाल दूंगी, अभी लास्ट में मैं हल्की डालूंगी। और अभी जितनी ये वाइट सॉस रेड सॉस है, वाइट सॉस रेड सॉस मैं इसमें लास्ट में जब ये डालूंगी वाइट सॉस रेड सॉस, तो इसमें थोड़ा मैं मार्बल जैसा उसका फिनिशिंग दूंगी। ये देखिए ये मैं इसमें डाल दूंगी, ये ऐसा ऐसा थोड़ा मैं इसे मिक्स कर दूंगी, मार्बल फिनिशिंग देनी है हमें इसे। ये देखिए, और अभी मैं इसमें ये मोज़रेला चीज़ लिए मैंने इसके अंदर, आप देख सकते हो मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी। और मैं इसमें प्रोसेस चीज़ भी डालूंगी, दोनों चीज़ इसमें डालूंगी। ये देखिए ये मैं प्रोसेस चीज़ ली है, आप अंदर भी चीज़ डाल सकते हो पर मैंने एक ही लेयर दी है इसकी। ये देखिए और इस पर हल्का सा मैं पिज़्ज़ा सीजलिंग जो है पास्ता सीजलिंग थोड़ा हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा। तो चलिए इसे हम बेक करने रखते हैं। ये देखिए इसे मैंने करीबन 10 से 15 मिनट प्रीहीट किया है, बहुत गर्म है, आप संभाल के रखिएगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर रख दिया, मैं इसे अच्छा सा कवर करके अभी मैं इसे 15 से 20 मिनट तक मैं इसे बेक होने दूंगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हमें इसे बेक होने देना है। ये देखिए इसे हमने 15 मिनट बेक कर लिया है, वाह बहुत बढ़िया बेक हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें अभी ऊपर से, अभी मालती किचन है तो हरा धनिया, आप पार्सले भी डाल सकते हो। मैंने गैस का फ्लेम बंद किया है, इसे मैं अभी बाहर निकालूंगी बहुत आहिस्ता। चलिए अभी हम सर्व करते हैं। देखिए इसे अभी हम सर्व कर लेंगे, मैं इसे चार व्यक्ति आराम से खा सकते हैं। ये देखिए इसे कट किया है अच्छे से एकदम। इसे मैं आपे निकाल के दिखा देती हूँ। वाओ सी यम्मी, ये देख सकते हो आप कितना यम लग रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने ब्रेड का लजानिया बनाया है, कितना यम लग रहा है, चीज़ी एकदम। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑब्वियसली आप बेल आइकॉन भी दबा देंगे ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी डिश के साथ में। बाय बाय, लव यू।